दोस्तों, ASUS जल्द ही इंडियन मार्केट में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम ASUS ZenFone Max Pro M3 होने वाला है। ये स्मार्टफोन आपको 5000 mAh की बैटरी के साथ आएगा, साथ में 48MP का रियर कैमरा भी इसमें प्रोवाइडेड किया जाएगा और इसके साथ स्नैपड्रैगन का 712 चिपसेट भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो क्या है इसी ASUS ZenFone Max Pro M3 की स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग, लॉन्च डेट और इंडिया में ये स्मार्टफोन किस प्राइस लेवल के अंदर आ सकता है, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें। माय नेम इज राहुल एंड यू आर वाचिंग हमटेक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात कर लेते हैं इसके डिजाइन की। तो ग्लॉसी बैक फिनिश के साथ एक पॉलीकार्बोनेट बैक आपको देखने को इस फोन में मिलने वाला है, जिसका लुक काफी प्रीमियम है। और फ्रंट साइड में आपको 6.5 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो की गोरिल्ला ग्लास 6 के प्रोटेक्शन के साथ आएगा। साथ में फिजिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है पीछे में भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिले, बट मोस्ट चांसेस है कि ये फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले ही होगा। और इसके साथ ही अगर बात कर लेते हैं हम लोग कैमरास की, तो डुअल कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी सेंसर 48MP होने वाला है, जिसका लेंस सोनी के IMX586 है, जो कि OnePlus 7 में भी मिला था। साथ में जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो 5MP का होगा, जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे अल्ट्रा मोड और वाइड एंगल जूम दोनों ही सपोर्टेबल है। बात करें अगर इसके फ्रंट कैमरा की, तो 16MP का एक प्राइमरी सेल्फी शूटर देखने को इसमें मिलने वाला है, जिसका जो सेंसर है वो AI और ब्यूटिफिकेशन के लिए स्पेशलिस्ट बताया जा रहा है। तो देखते हैं ये कैमरा कितना अच्छा हो पाता है। बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 712 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 616 GPU के साथ आएगा। साथ में एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्टॉक एंड्रॉयड के सपोर्ट के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। बात कर लेते हैं स्टोरेज वेरिएंट और इंटरनल रैम की, तो 4GB रैम 6GB रैम का दो वेरिएंट इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी स्टोरेज 64GB होगा और सेकेंडरी स्टोरेज 128GB होगा। बात करें अगर इसके बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ देखने को मिलने वाली है। साथ में 3.5mm जैक और टाइप सी पोर्ट भी दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करें इसके प्राइसिंग की, तो इंडिया में ये स्मार्टफोन आपको 12,999 तक मिल सकता है, बेस वेरियंट जो की 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगी। साथ में इसी प्राइस रेंज के अंदर आज तक किसी स्मार्टफोन ने इतना अच्छा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड नहीं किया, जिसमें कि 712 का चिपसेट भी हो, 48MP का कैमरा भी हो और साथ में एक बड़ी 5000 mAh की बैटरी। तो फाइनली बात करें अगर इसके लॉन्च डेट की, तो इंडिया में ये स्मार्टफोन अगस्त के लास्ट वीक या फिर सितंबर के स्टार्टिंग वीक में देखने को मिल सकता है लीक्स के अकॉर्डिंग। और देखते हैं कितने सारे लीक्स इस स्मार्टफोन के बाहर निकल कर आते हैं। तो ये था वीडियो आज का दोस्तों, ZenFone Max Pro M3 का। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।